अमरीका के नवे चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कार्यकाल में पहले दिन एक इमीग्रेशन बिल पेश करने की योजना बना रहे हैं। इस बिल में देश में कानूनी दर्जे के बिना रह रहे करीब 1.1 करोड़ लोगों को 8 साल के लिए नागरिकता देने की व्यवस्था होगी। यह इमीग्रेशन बिल बाहर जा रहे ट्रंप प्रशासन दी सख्त इमीग्रेशन नीतियां दे उल्ट होगा। बिल संबंधी जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त दस्या कि बाइडेन दे बुधवार को सहु चुकन के बाद यह बिल पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति अहदे दी चोणों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर बाइडेन ने इमीग्रेशन के ट्रंप के कदमों अमरीकी कदर कीमतों पर सख्त हमला करा दिता सी अते कहा सी कि वह इस नुकसान पूरा करेंगे। ये बिल के तहत 1 जनवरी 2021 तक अमरीका में किसी कानूनी दर्जे के बिना रह चुके लोगों की पिटभूमि की जांच की जाएगी। जेकर वह टैक्स जमा करवाते हैं होर बुनियादी लोड़ां पूरियां करते हैं तो उन्होंने 5 साल का अस्थाई कानूनी दर्जा मिलने का रास्ता खुलेगा ज उन्होंने ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इस मगरों उन्होंने होर 3 साल लिए नागरिकता मिल सकती है। कई मुस्लिम देशों तो लोग आने पर रोक समेत इमीग्रेशन संबंधी ट्रंप के कदमों पलटन लिए बाइडेन वालों तुरंत कदम चुके जाने की संभावना। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ एकम टीवी।